आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में एक तरफा प्यार में पागल हुए एक प्रेमी ने प्रेमिका व उसके परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया। बताया जाता है कि दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं। किसी बात को लेकर प्रेमी और प्रेमिका में झगड़ा हो गया था, जिसके कारण प्रेमी ने धन में आकर प्रेमिका व उसके परिवार पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे प्रेमिका की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको SFIPGI हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद हालत में सुधार बताया जा रहा है। लड़की के परिवार वालों ने स्थानीय पुलिस को तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना घटी प्रसिद्ध मकान है और पादरी सहित दो लोगों पर हमला हुआ है। क्या मामला था और क्या पुलिस ने रेमेडी किया? जनपद मैनपुरी थाना कोतवाली अंतर्गत किशन कंपाउंड में जो कंपाउंड में जो पादरी रहते हैं उनके परिवार पत्नी और उसके ऊपर और उसके बच्चे एक पड़ोस के वो भी लड़का किशन समुदाय का ये हमला किया। रात पुलिस ने तत्काल सारे मरीजों को अस्पताल दाखिल कराया और थोड़ी देर बाद ही पूरी स्वास्थ्य की कार्रवाई करते हुए राजधानी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा घटनाक्रम से ये बात निकल के आ रही है कि उस लड़के और लड़की दोनों साथ थे